नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म के डे टू के कलेक्शन के बारे में, इंडिया के, ओवरसीज के और वर्ल्ड वाइड के। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, और अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है दोस्तों ये 25 करोड़ बताया जा रहा है, और इस फिल्म को इंडिया में 1500 स्क्रीन में रिलीज किया है। और इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है इसमें हमें अनिल कपूर, सोनम कपूर, राजकुमार राव, जूही चावला जैसे स्टार देखने को मिले हैं। दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक की तरफ से मिक्स रिव्यू मिला है। किसी को फिल्म पसंद आ रही है और किसी को नहीं भी आ रही है। तो चलिए दोस्तों इसके इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म ने इंडिया में फर्स्ट डे यानी कि ओपनिंग डे में 3 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था, और डे टू का जो कलेक्शन आ रहा है अब तक का वो 4 करोड़ आ रहा है। इस हिसाब से एक लड़की को देखा फिल्म का जो दो दो दिन का कलेक्शन होता है टोटल इंडिया का 7 करोड़ 30 लाख होता है, और इस फिल्म ने ओवरसीज में 9 करोड़ का बिजनेस किया है। सॉरी, ओवरसीज का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो 3 करोड़ आ रहा है। इस फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन आ रहा है वो 9 करोड़ आ रहा है। इस हिसाब से इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है दोस्तों वो 12 करोड़ होता है। तो दोस्तों ये फिल्म आपने देखी तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।